चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी गिरफ्तार हो गए हैं तोहीन अदालत केस में। तफसीलात के मुताबिक पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिद को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तोहीन अदालत केस में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मदियत में पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी के खिलाफ तोहीन अदालत का मुकदमा दर्ज था। फैसल रजा आबदी सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत केस में पेशी पर आए थे। सेक्रेटरीट पुलिस ने पीपी रहनुमा को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि फैसल रजा आबदी को आज ही अदालत में पेश किया जाएगा और इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक रजा आबदी पर इल्ज़ाम आयद है कि इन्होंने चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। फैसल रजा आबदी के खिलाफ मुकदमा जेरे दफा 34506, 505, 228, 500 के तहत दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे में दहशतगर्दी के दफा 17 ATAB लगाई गई। इनके खिलाफ FIR 19 सितंबर को दर्ज हुई थी। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट की पुलिस ने फैसल रजा आबदी को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान शाहिद हुसैन की मदियत में थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज है। नाज़रीन, इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।